के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से कश्मीर के लोगों ने इस वक्त जो है अच्छी खासी तादाद में लोगों ने ये तो भारत जो लोग यात्रा का जो मकसद था 7 सितंबर से जो चली है पूरे देश में घूम कश्मीर आई है और ये एक सफल मूवमेंट रही और इसको क्यादत करते थे राहुल गांधी जी। पहली बात है कि नफरत को बंद करो मोहब्बत को फैलाओ, ये कॉमन मैसेज थी सबके लिए। और फिर महंगाई को लेकर बेरोजगारी को लेकर जो मोदी की सिग्नल थी उसका रिस्पांस आपने देखा जम्मू कश्मीर में पूरे भारत में खासकर आज श्रीनगर में लोग जोग दर जोग आकर के इस यात्रा में शामिल हुए क्योंकि उनके दिलों को छूने वाली इश्यूज थे और कश्मीर के लोगों की आवाज़ इसमें दिख रही थी। इसलिए बेबाक होकर नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आपने देखा सरकार की कई तरीके से रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद इतना आवाम उमड़ पड़ा, ये इस बार जोड़े यात्रा की सबसे बड़ी काम। सर अगर हम बात करेंगे आपको लग रहा है कि जिस तरह से लोगों ने आपको आज सपोर्ट किया है 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से कांग्रेस को देखा जाता था लेकिन एक और नज़र आज कांग्रेस ने ले ली है। मैं फिलहाल कांग्रेस के बिहाफ से उतना नहीं बोलूंगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस से भी ऊपर एक मिशन था, ये देश के लिए मिशन था और देश में जो लोग इसमें जुड़े हैं वो सारे कांग्रेसी नहीं है, वो हमें कल वोट नहीं देंगे मगर उन्होंने इस उठाए हुए कदम को सपोर्ट किया। उनकी कल सियासी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, उनका एजेंडा अलग हो सकता है मगर फिलहाल जो सारे कांग्रेस और नॉन कांग्रेस सिविल सोसाइटी एनजीओज रीजनल पार्टीज इसमें शामिल हुए ये साफ हुआ कि जो मोदी साहब या भाजपा की पॉलिसी से कनेक्टेड है वो बाहर रह गए, जो समझते हैं कि जो नाकस पॉलिसीज है, जो जीएसटी है, जो डिमोनेटाइजेशन है, जो नफरत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जिनको ये लग रहा है कि लोगों के बिहाफ से आवाज़ उठनी चाहिए वो सारे लोग सियासी नजरिए को बालाए तक रखे इस भारत जोड़ में शामिल हुए, एक मोटी आवाज़ देश में बनी और इसके लिए हम राहुल गांधी जी के भी मशहूर हैं कि उन्होंने बर वक्त ये यात्रा निकाली, सही एजेंडा लिया और पूरे भारत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर कश्मीर वादी और पर्टिकुलरली श्रीनगर के लोगों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ।